बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ग्रुप थ्योरी का टॉपिक नंबर 20। आई होप सो के पिछले सारे टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे, आ गए होंगे। और आज जो है वो हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, मॉडुलर अर्थमेटिक। मॉडुलर अर्थमेटिक बेसिकली क्या है? ग्रुप थ्योरी में मॉडुलर अर्थमेटिक का मतलब ये है कि कोई भी आपको लिमिट दी जाती है, कि कोई भी आपको अगर ग्रुप दिया गया है उस ग्रुप में आपको एक लिमिट डिफाइन कर दी जाती है कि उस लिमिट से ज़्यादा या उस लिमिट से आगे आपके पास कोई भी एलिमेंट आपके ग्रुप में नहीं करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। फर्ज करें कि मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास ऑपरेशन जो है वो आपको पॉजिटिव का बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया जाता है, और उसके साथ आपको यहाँ पे बेस में एक छोटा सा कोई भी नंबर दिया जाता है 4C2 1, और साथ में जो आपको ग्रुप फिर दिया जाएगा उस ग्रुप में जो आपके एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होंगे वो सारे जो आप यहाँ पे आपको जो नंबर दिया जाएगा उससे छोटे होंगे। तो ये आपका मॉडल हो रहता है कि उस ग्रुप के ऊपर जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस ऑपरेशन के अंदर भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो तब भी आप जो है वो आपका जो नंबर है वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसको हम फाइंड कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं, इसका टेबल बना के हम इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। लेट एन बी द फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, के एन जो है वो हमारे पास एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, एंड ए बी एनी टू इंटीजर्स, और ए और बी जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। वी से दैट ए इज़ कंग्रुएंट टू बी मॉड्यूल। अब कंग्रुएंट का क्या मतलब है कि इन दोनों में जो ए और बी दोनों एलिमेंट हमने लिए हैं, दो इंटीजर्स लिए हैं, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर हैं। ये दोनों जो आपके ग्रुप होंगे जो आप इंटीजर्स लेंगे, ये आपकी तमाम जो प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप की उसको सेटिस्फाई करेंगे। वो मैं आपको डिटेल से अलग से समझा चुकी हूँ कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगी। तो देन हम इसको कहेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि इक्वलिटी का एक रिलेशनशिप होता है। और इसको जो है वो डिनोट किस तरीके से किया जाता है, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया कि एक कंग्रुएंट, ये जो आपको यहाँ पे ये तीन आपको नज़र आ रही हैं लाइनें, ये कंग्रेंट का साइन है, इसको इसे डिनोट किया जाता है बी। एंड मॉडल इसको आप आम जो है वो इक्वल भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि इन दोनों में एक रिलेशनशिप होता है। उसके बाद आगे देखें तो आगे हमारे पास एक थ्योरम है, शो दैट द कंग्रेंस रिलेशन मॉड्यूल एन इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन जेड, और साथ में इसके साथ जो इसने ऑपरेशन दिया है वो क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन का बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया गया है और हमने इंटीजर्स लेने हैं और यहाँ पर हमने एक रिलेशनशिप शो करना है। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ हमारे पास क्या है। राइट एन वर्टिकली एम फॉर एन डिवाइड एम, यानी कि एन डिवाइड एम को हम लिखने के लिए ये फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, विच मीन्स दैट देर इज़ सम इंटीजर्स के सच दैट एम इक्वल टू एन के, यानी कि जब हम इसको डिवाइड किसी के इक्वल रखेंगे, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कोई एक नया इंटीजर्स हमारे पास आएगा, उसको हमने क्या कह दिया, के कह दिया। और मीन्स के आपके पास इस तरीके से अगर लिखा हुआ हो तो जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, कोई भी आपके पास नंबर हो, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जहाँ पे कोई एक आंसर आएगा उसको क्या कह दिया, उसको के कह दिया। और जब m की वैल्यू को यहाँ से फाइंड किया तो m इक्वल टू हमने इसको क्या कह दिया, n के। ओके, तो आगे क्या कहता है कि हिंस ए कंग्रेंस बी मॉड्यूल एन इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड ए माइनस बी, यानी कि ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि ये एक दूसरे के मॉड्यूल्स कब होंगे, जब जो आपका एन होगा वो डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। और दूसरी बात ये कि इसमें एक रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप होगा, यानी कि जो आपके एलिमेंट्स होंगे, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, यानी कि जितने भी आपके ए होंगे वो उसके इंटीजर्स के साथ आपका बिलोंग करेंगे, यानी कि उसी सेट के अंदर से आप लेंगे और वो एक दूसरे के भी कंग्रेंस होंगे, उन दोनों में एक रिलेशनशिप होगा जिसको इसने रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नाम दिया है। ओके, आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें भी यही चीज़ इसने दोबारा से बताई कि अगर अब हम जो है वो तीन एलिमेंट्स को ले लें, ए बी और सी तीन को ले लें, तो जब हम ए और बी को डिफाइन करेंगे जैसे हमने देखा था अपने जो हमारी प्रॉपर्टीज थी उनमें हमने कहा था कि अगर ए और बी दोनों को ऐड करने से, यानी कि जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी कि अगर ए और बी को हम ऐड करें तो जो उसका सोल्यूशन आएगा वो भी आपके उसी ग्रुप में से आना चाहिए जो कि ग्रुप आपको यहाँ पे
गिवन होगा, ठीक है। तो इसमें भी यही चीज है कि जो जिसको हम आगे फाइंड करेंगे, ये बस इसी तरह से थ्योरम सा है, इसको आप एक दफा बस रीड कर लीजिएगा, वही प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट थोड़ी सी वर्डिंग जो है वो यहाँ पे चेंज हुई हुई है। इसको मैं अलग से नोट्स मैंने बनाए हैं, तो वहां से इसकी मजीद एग्जाम्पल्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आगे क्या कहते हैं कि द सेट ऑफ इक्वल्स क्लासेस इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो एन एंड इज डिनोटेड बाय जेड एन, यानी कि यहाँ पे अब जो इंटीजर्स हम ले रहे हैं वो अप टू एन टर्म्स तक ले रहे हैं, इसके ऊपर जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो हमारे आंसर आएंगे या जो भी ऑपरेशन हमने इसके ऊपर परफॉर्म किया तो वो अप टू एन टर्म्स तक हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इसने हमें बता दिया कि इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, जेड एन को अगर हमारे पास जेड थ्री होगा तो जेड थ्री में हमारे पास ये तीनों जो है वो नंबर आएंगे, यानी कि थ्री से छोटे हमने तमाम एलिमेंट्स लेने हैं, जीरो वन एंड टू। और जब जेड एन की बात आएगी तो ये इन इसको एन से जो पिछली टर्म होगी वो हमारे पास एन माइनस वन होती है। अपने फैक्टोरियल वाला जो लेसन थे, फैक्टोरियल आपने पढ़ा होगा, तो उसको भी हम ओपन करते थे एन एन माइनस वन, तो एन से जो पिछले वाली टर्म हमारी होगी वो एन माइनस वन होगी, तो इसको हम एन माइनस वन टर्म तक इसको हम ओपन कर सकते हैं, यानी कि जीरो से एन माइनस वन टर्म तक ये हमारा आएगा। इसकी मैं एग्जाम्पल पहले आपको दिखाती हूँ और फिर हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उनको भी करते हैं। तो मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया, अभी देखते हैं कि सबसे पहले थोड़ी सी आपको मजीद डिटेल बताती हूँ कि इसको हम इस तरीके से कैसे लिखते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अप टू एन टर्म्स तक अगर हमने इंटीजर्स को लिखना हो तो वो हम जीरो से अप टू एन माइनस वन टर्म तक इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन जो है वो ड्रा कर ली है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने लिखा है कि थ्री कंग्रेंस फाइव एंड मॉडुलस जो आगे इसका दिया हुआ है, मॉडुलस जो दिया वो कितना दिया हुआ है, टू दिया हुआ है। अब अगर हम नंबर लाइन को यहाँ पर देखें तो नंबर लाइन पर यहाँ पर हमारे पास सेंटर में ज़ीरो है, और ज़ीरो से दूसरी साइड पर जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, मॉडुलस जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है टू का। तो देखिए यहाँ पे वन और टू थ्री और फोर फाइव अप टू ये जो लाइन है वो हमारी चलती जा रही है। जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे जीरो के ऊपर हमारा जीरो ही आता है, देन जीरो के बाद इस साइड पे भी हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे वन जीरो वन जीरो वन जीरो। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो टू है उससे छोटी टर्म्स को हमने यहाँ पे लिखना है। तो देखें वन जीरो एंड वन जीरो और वन जीरो को हम आगे रिपीट करते जाएंगे। तो यहाँ पे थ्री और फाइव दोनों इक्वल का क्या मतलब है, इन दोनों में इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हमने एक नंबर लाइन ड्रा किया और भी इस तरह के मजीद जो है वो मॉडुलस टू में मजीद और भी इस तरह के हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं जिनमें इक्वलेंस का रिलेशनशिप आएगा कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं ग्रुप की। लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो एग्जाम्पल एज ए थ्री और फाइव के लिए, तो थ्री के ऊपर भी हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो वन आ रहा है और फाइव के ऊपर भी जो हमारा नंबर आ रहा है वो वन आ रहा है। दैट्स वाई हमने क्या किया कि लिखा है कि इन दोनों में प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि ये मॉडुलस टू है तो कैसे इसको सेटिस्फाई आप करेंगे, तो आप फौरन से इसको सॉल्व करने के बजाय आप एक नंबर लाइन ड्रा करें और उसके ऊपर जीरो से राइट हैंड साइड पे आप चलें, जीरो से बाद वन जीरो वन जीरो अगर मॉडुलस आपको टू दिया गया, मजीद एग्जाम्पल्स भी मैंने आपके लिए लिखी है, मॉडुलस अगर टू दिया गया तो जस्ट आपका वन जीरो यूज होगा। तो यहाँ पे अगर इसकी फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो हमने उलट चलना है, जीरो यहाँ पे होगा देन यहाँ पे आएगा वन जीरो वन जीरो इधर, और जब इस साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड से दोबारा से राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमारे पास वही सीक्वेंस बनेगा वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन एंड अप टू सो वन, जो इसी तरीके से चलता जाएगा। उसके बाद आगे देखें तो मॉडुलस जब थ्री की बात होगी, हमने मॉडुलस थ्री की बात की है यहाँ पे, तो इसमें अब हमने तीन एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं जीरो वन एंड टू। जब जीरो वन एंड टू यूज़ होगा तो सेम उसी तरीके से नंबर लाइन के ऊपर हमने क्या किया, ये ड्रा कर ली जीरो वन टू। अब हमने तीन एलिमेंट्स को ही यूज़ करना है जीरो वन टू एंड फिर दोबारा से उसी चीज़ को रिपीट करना है जीरो वन टू और अप टू ये टर्म्स चलती जाएंगी। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा टू वन जीरो, और जब दोबारा से हम यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट पे जाएंगे तो वही सीक्वेंस हमारे पास आएगा जीरो वन टू जीरो वन टू एंड जीरो वन टू, और जितने भी फिर सेम होंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम मॉडुलस थ्री की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जिनके सेम आ रहे हैं वो हमारे पास वन और फोर एंड टू और फाइव के दरमियान हमारे पास क्या आ रहा है, रिलेशनशिप
परफॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से अगर मॉडुलस हमारे पास 9 हो तो उसमें हम जो है वो अब उसकी जो लास्ट टर्म है यानी कि उससे पिछली जो टर्म है वहाँ तक उसमें हम नंबर लेते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रूव दैट Z4 इज इक्वल टू 0123 इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलस 4 और Z4 इज इक्वल टू 0123। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि यहाँ पर जो ये आपको एलिमेंट्स दिए जाएंगे ये आपके मॉडुलस होंगे, इसके रिस्पेक्ट आपने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो अगले जो लेक्चर्स हैं उनमें भी इसी तरह के एग्जांपल है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जहाँ पे हमारे पास जो है हमने सेट लिया वो 0123 का लिया और इसने कहा कि इसको प्रूव करने के लिए एक अबेलियन ग्रुप है। अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो पहले इसको एक प्रॉपर ग्रुप होना चाहिए, देन हम इसको बोलेंगे कि ये ग्रुप है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस कोई नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज को ये जो है वो होल्ड करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स और आइडेंटिटी, सारी चीज़ों को एग्जिस्ट करेगा। देन हम इसको कहेंगे कि ये अबेलियन ग्रुप है। और इसी तरीके से जब हमें इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे कि आपको ग्रुप दिया जाएगा, आपने प्रूव करना होगा कि ये एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन दिया गया होगा और जो भी आपको साथ में मॉडुलस दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका एक टेबल बना रही है, इसको कैरेलेट टेबल भी कहते हैं। टेबल हमने बना लिए जो हमें जहाँ पे दिया गया था विद रिस्पेक्ट टू हमने करना है बाइनरी ऑपरेशन, वो पॉजिटिव है और उसके साथ जो हमें मॉडुलस दिया गया है वो कितना है, 4 दिया गया है। इसको हमने हॉरिजॉन्टल भी लिख लिया और वर्टिकल भी लिख लिया, 0123 और 0123। अब हमने इसको जो है वो ऐड करते जाना है। सबसे पहले हमने 0 को 0 में ऐड किया, हमारे पास 0 आ गया। देन हमने 0 को 1 में ऐड किया, हमारे पास 1 आ गया। देन सेम इसी तरीके से हमारे जो बाकी टर्म्स है यानी कि हमने 1 को भी मल्टीप्लाई करना है इन सब के साथ। 1 को भी हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ किया, 2 के साथ किया, 3 के साथ किया। फिलहाल जब तक हमारे पास जो है वो नंबर यही आ जाएंगे यानी कि 1 2 3, 0 1 2 3 आ रहा होगा, देन हमारे पास कोई भी इस तरह का हमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। हम उन चीज़ों को लिखते जाएंगे क्योंकि 0 1 2 3 हमारे ग्रुप में मौजूद है तो हम उसको लिख सकते हैं। जब भी हमारे पास जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा आ जाएगी यानी कि 3 से ज़्यादा आएगी तो फिर हम उसको क्या करेंगे, जो हमें मॉड्यूल दिया गया होगा उसके ऊपर हम उसको डिवाइड करेंगे और बाकी जो रिमाइंडर बचेगा वो हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, अगर हमने 2 को जब मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। तो अब 4 जो है वो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप एलिमेंट नहीं है, तो दैट्स वाई अब हमने क्या किया, ये जो हमारा 4 था 4 को हमने 4 के ऊपर हमने डिवाइड किया तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है, यहाँ पे हमारे पास 0 बचता है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से फिर हमने 2 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जब, तो हमारा जो आंसर आता है वो 6 आता है। जब 6 को हमने 4 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ओके, तो सेम इसी तरीके से आगे 3 1s are 3 आ जाएगा, 3 0 सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। 3 को जब हमने 2 के साथ ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन का, आई एम सॉरी, 2 को 3 में जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो जब हमने 4 को 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो दैट्स वाई हमारा यहाँ पे जो आंसर आए ये 1 आए। फिर सेम इसी तरीके से हमने 3 को 0 में ऐड कर देना है, फिर हमने 3 को 1 में ऐड करना है, देन 3 को हमने 2 में ऐड करना है, देन हमने 3 को जब 2 में ऐड करेंगे तो फिर से 5 आएगा, दैट्स वाई यहाँ पे जो है हमारे पास 1 आया है। फिर इसी तरीके से हमने 3 को 3 में ऐड किया तो हमारे पास 6 आया, और 6 को जब हमने 4 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो पूरा हमारा टेबल बना है इसमें जितने भी एलिमेंट आए वो 0 1 2 3 हमारे यूज हुए हैं और 0 1 2 3 ही हमारे ग्रुप एलिमेंट है, तो इसलिए हम इस ग्रुप को कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप है। ये जो हमें ग्रुप दिया गया था ये हमारा एक ग्रुप है। क्यों ग्रुप है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सबसे पहले सेटिस्फाई करता है। उसके लिए मैंने आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल भी दे दी है कि अगर जो है वो हमारे पास इस तरह 3 एलिमेंट्स हम लें, 1 2 3, पहले हमने 1 और 2 को ऐड करके देन हमने उसको 3 में ऐड किया, ये जो नीचे 4 है ये हमने वही मॉड्यूलो का साइन जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। 2 + 1 हमारा 3 हो जाएगा, 3 + 3 हमारा 6, एंड 6 को दोबारा से जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा जिसकी लेफ्ट हैंड साइड, देन फिर से हमने 2 और 3 को पहले ऐड करके देन उसमें हमने 1 को ऐड किया तो हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा, 4 आएगा। तो इट्स मीन की ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, देन इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट को भी ये सेटिस्फाई करता है। आइडेंटिटी
जो एग्जीम होता है हमारे पास, वो भी क्योंकि एडिशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा क्या है, जीरो है। तो इट्स मीन के ये हमारे आइडेंटिटी एग्जीम को भी सेटिस्फाई करता है, उसके बाद इसका इनवर्स एग्जीम भी सेटिस्फाई करता है। हर एक, ये आपने ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि हर एक जो एलिमेंट होता है ग्रुप का, उसका इनवर्स भी उसी ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। देन ये कम्यूटेटिव एग्जीम को भी सेटिस्फाई करता है। आप डायगोनल को छोड़ के देखें तो ये आपका एक मैट्रिक भी बन सकता है। तो अगर इस मैट्रिक है तो इट्स मीन के ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। ये आपके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, देन सेम इसी तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अब हमने जो मॉडल लिया है वो 10 लिया है, और इसका जो हमारा ग्रुप जो हमें दिया गया है वो क्या है, 1, 3, 7 और 9, और हमने देख रहे हैं कि ये एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो सेम उसी तरीके से हमने इसका भी टेबल बना लिया। यहाँ पे टेबल बनाने के बाद हमने वन बाय वन, अब यहाँ पे अब हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वन को वन से मल्टीप्लाई किया आपका वन आ गया, वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया आपका थ्री आ गया, वन को सेवन से किया तो आपका सेवन आ गया, वन को अपने नाइन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे नाइन आ गया। फिर इस तरीके से थ्री वन जर थ्री आपका आ जाएगा, थ्री थ्री जर नाइन, नाइन चूंकि टेन से छोटा है दैट्स व्हाई हम यहाँ पे नाइन यूज कर सकते हैं। थ्री को जब आपने सेवन के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आएगा, 21 आएगा। फिर आपने क्या करना है, 21 को 10 के ऊपर आपने डिवाइड करना है। जब 21 को आप 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका क्या यूज हुआ है, 1 यूज हुआ है। सेम इसी तरीके से जब आपने 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आंसर आया, 27। फिर आपने 27 को 10 पे डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बचा वो 7 बचा, दैट्स व्हाई आपने यहाँ पे 7 यूज किया है। फिर इसी तरीके से बाकी आपने इन दोनों टर्म को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपका जो आंसर आए वो आपका इस ग्रुप से बाहर आए या 10 से बड़ा आए, पहली तो बात है कि आपका जो एलिमेंट है वो यही ग्रुप के मेंबर्स ही आने चाहिए, ठीक है। जो एलिमेंट आपके ग्रुप में दिए गए हैं वही एलिमेंट आपके यूज होंगे, 1, 3, 7। एंड आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें जस्ट ये नंबर्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1, 3 और 7, 9। तो इट्स मीन के ये एक ग्रुप है, इसको हम एक ग्रुप कह सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सेटिस्फाई करता है। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। मल्टीप्लीकेटिव जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, 1 होता है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है यहाँ पे, तो हम इसको भी कहेंगे कि ये एक ग्रुप है। इसी तरह की एग्जांपल्स आपके पेपर में आती हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। आप देखते हैं अपने हैंड आउट्स को। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। ऑर्डर अब हमारे ग्रुप का क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी कि जितने भी आपके एलिमेंट होंगे एक ग्रुप में उसको आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहेंगे। फर्स्ट करेंगे यहाँ पे आपको जो ग्रुप दिया गया है 1, 2, 3 और 4 है। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट है आपके पास, 1, 2 और 3, तो ये आपके एलिमेंट इसके ग्रुप का ऑर्डर जो है वो आपके पास इस तरीके से, इसको एज अ मैग्नीट्यूड जिस तरह हम डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट जिस तरीके से हम डिनोट कर रहे हैं इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसका जो ऑर्डर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बेसिक चीज़ है ऑर्डर ऑफ ग्रुप की। ओके, तो इसकी डेफिनेशन में बस यही चीज़ें, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे देखें तो इसने यहाँ पे दोबारा से Z4 लिया है, 0, 1, 2, 3, और इसका जो अब ऑर्डर निकलेगा वो हमारे पास क्या निकलेगा, लेट पॉजिटिव, यानी कि जो इसका मॉड्यूलो 4 है विद एडिशन मॉड्यूलो 4, देन द 2 + 3 = 1, यानी कि 2 और 3 को जब ऐड किया तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। 5 को जब हमने 4 पे डिवाइड किया तो देन हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वही चीज़ें जो मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे दोबारा से एक जो है वो इसने वही इसका टेबल बनाया जो अभी हमने एग्जांपल कर लिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। इसमें वही एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं जब इसको सॉल्व किया है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 से मल्टीप्लाई किया सॉरी ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशन है वो हमने यूज़ करनी है। ऐड करने के बाद जो हमारा अगर बड़ा ही आएगी वैल्यू तो फिर उसको हम जो है वो 4 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये होनी चाहिए कि तमाम एलिमेंट्स को इसी टेबल के जो हमारा जिसको हम सॉल्व करेंगे वही एलिमेंट आने चाहिए जो कि हमें ग्रुप में गिवन थे। अगर वही आएंगे तो इट्स मीन के वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक ग्रुप है। फिर इसी तरीके से अगर हम इसकी अगली एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर पहले थोड़ी इसका ऑर्डर देख लेते हैं।
जी फोर यानी कि इस पूरे का जो हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, फोर दिए गए हैं। पहले सबसे पहले हमने वन को देख लिया, वन जो है उसको हमने वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन हमने इनके फोर टाइम वन को ऐड किया। इतनी दफ़ा हमने इस आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड करना है, सॉरी इतनी दफ़ा हमने हर एक एलिमेंट को ऐड करना है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास जीरो होती है, तो हमने वन को फोर टाइम ऐड किया तो हमारा क्या आता है, फोर आता है। जब हमने फोर को फोर पर डिवाइड किया, ठीक है, फोर को फोर के ऊपर जब डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे जीरो बचा। तो तब तक इस तरीके जब आपका आएगा ऑर्डर फाइंड करना होगा इस तरह से मॉड्यूल के टेबल बना के, तो आपने हर एक एलिमेंट को इतनी दफ़ा ऐड करते जाना है। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपको दिया गया, इतनी दफ़ा ऐड करने के आपका बाइनरी सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपकी जीरो होती है, तो वन को फोर टाइम ऐड किया तो आपके पास फोर, फोर को फोर पर डिवाइड किया तो आपका जीरो आ गया। तो वन का जो ऑर्डर है इसका जो ऑर्डर आएगा वन का वो क्या आएगा, फोर आएगा। फिर इस तरीके से हमारा जो सेकंड एलिमेंट था वो टू था, तो टू को हमने टू टाइम ऐड किया तो हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ गया जीरो। फिर टू का जो ऑर्डर होगा वो टू आएगा। इसी तरीके से थ्री को देखें तो थ्री को हमने फोर टाइम ऐड किया है, फोर थ्री जार फोर, इसको हमने थ्री टाइम ऐड किया तो यहाँ पे फोर थ्री जार ट्वेल्व हो जाएगा, यानी कि ट्वेल्व हमारा आएगा। तो ट्वेल्व को जब हमने फोर पे डिवाइड किया तो हमारी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आया, देन इसका ऑर्डर जो है वो फोर हो जाएगा। फिर इस तरीके से वन, और फिर आखिर पे हमारा जो है वो जिन दोनों के ऑर्डर इक्वल होंगे उनको इस तरीके से इसने इक्वल करके लिख दिए, यानी कि जो वन है और जो थ्री है उन दोनों के जो ऑर्डर हैं वो सेम है। फिर इस तरीके से अगर जो इसके अप टू एंड टर्म्स तक हम लोग जाएँ तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, अप टू एंड टर्म तक आ जाएगा। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम फाइंड कर सकते हैं जी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का, उसके बाद रैशनल नंबर का। अगर हम क्यू में से जो विदाउट जीरो जो है वो जीरो को एक्सक्लूड करके भी हम रैशनल नंबर का जो है वो ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से रियल नंबर, उसके अलावा जीरो को एक्सक्लूड करके रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह। उसके बाद जो 22 हमारा टॉपिक है उसमें हमने फाइनाइट ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो फाइनाइट ग्रुप वो ग्रुप होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, कि फाइनाइट ग्रुप हमारे पास वो ग्रुप होता है जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो हम गिन सकते हों, यानी कि अगर वो ज़्यादा भी हों तो तब भी हम उनको गिन सकें, इनफाइनाइट टाइम तक हमारे पास वो एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पर आपको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इस मॉड्यूल को, इस ग्रुप को जो है वो सॉल्व करना है। आई होप सो कि ये अब आप जो है वो ईजिली सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई भी इस कि मुश्किल बात नहीं है। जस्ट एक बात इसमें है कि आपका यहाँ पे आयोटा यूज हो रहा है, तो जहाँ पे आपका आयोटा स्केयर बन जाएगा, आयोटा स्केयर की जगह पे हमेशा आपने माइनस वन को यूज करना है। तो ये चीज थी, बाकी आपका जो ये टेबल है बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा और फिर उसका हमने ऑर्डर निकाल लेना है। अब मल्टीप्लीकेटिव जो आइडेंटिटी होती है वो आपके पास क्या होती है, वन होती है। दैट्स व्हाई अब हमने वन को पहले टू टाइम मल्टीप्लाई किया, इनके माइनस वन था तो माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो हमारा वन आया। तो वन का जो माइनस वन का ऑर्डर है वो आपके पास टू होगा। फिर इस तरीके से आयोटा को देखें, आयोटा को हमने फोर टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट वन आएगा, क्योंकि आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास माइनस वन होती है। देन माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आपके पास जहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वन। फिर आयोटा का जो ऑर्डर है वो आपके पास फोर आ जाएगा। सेम इस तरीके से माइनस आयोटा का ऑर्डर आपने निकाल लेना है एंड वन का निकाल लेना है। फिर जिन दोनों के सेम होंगे उनको आपने इक्वल में लिख देना है। यही सारी चीज़ें थी। फिर अब हम जहाँ पे जो दोनों ग्रुप लिए हैं, पहले जहाँ पे जो दोनों ग्रुप लिए थे हमने यू और जी का ग्रुप लिया था, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन था। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो यहाँ पे ऑर्डर इनके सेम है, यानी कि चार एलिमेंट एक ग्रुप में यूज़ हुए हैं, दूसरे एलिमेंट भी चार ही एलिमेंट यूज़ हुए हैं और ये दोनों ग्रुप्स हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, तो इनको इक्वल करके यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर इसी तरीके से अगर इस तरह का कोई आपको जो है वो ग्रुप दिया जाए, यू एन इक्वल टू ई के पार आई टू के पाई और डिवाइडेड बाय एन और के जीरो वन अप टू एन टर्म्स तक यानी कि जा रहा हो, देन यू एन जो है वो ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें भी फाइनाइट ग्रुप को ही कंटिन्यू किया गया है। सिंस अ ग्रुप हैज़ टू हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट नेमली द आइडेंटिटी, यानी कि जो भी ग्रुप होगा उसमें एक आपका आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो छोटे से छोटा भी ग्रुप हो लेकर उसमें आइडेंटिटी जो एलिमेंट है वो आपका एग्जिस्ट करेगा, जिसको ई से डिनोट किया जाता है। द थ्री ग्रुप एग्जियम होल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज इट्स ओन इनवर्स इन एवरी ग्रुप, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो अपना आप ही इनवर्स होता है हर एक ग्रुप में। ठीक है,
उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी कि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आपका खुद आ जाता है। फिर इस तरीके से जब आप प्राइम की बात आती है, इनवर्स की बात आती है, तो किसी भी एलिमेंट के इनवर्स को जब उसके साथ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वहाँ पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरीके से यही टेबल दिया है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ई और ए का टेबल लिया है, इनको मल्टीप्लाई किया और फिर इसी तरीके से जीरो और वन को जो है वो लिए। जब ई और ए को लिए तो ई को ई के साथ मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट दोबारा से खुद आ जाएगा। ई को जब ए से मल्टीप्लाई किया तो देन फिर से हमारा जो है वो अभी हमने देखा कि जब आइडेंटिटी एलिमेंट को हम किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट जो है वो हमारे पास खुद आएगा। फिर इसी तरह से हमने ए को ई के साथ किया तो हमारे पास वही चीज़ वापस आ गई। जब हमने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो देन हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। फिर इसी तरह से इसको जीरो और वन यानी कि इसके चेंज करके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी इसको देखा है तो ये भी वही चीज़ें हमारे पास दोबारा से वापस आती हैं। अर्थवीन के ये भी एक ग्रुप है। तो बेसिक चीज़ें हैं, आई होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ आ गए होंगे। फिर इसी तरह से ये भी इसमें भी यही एग्जांपल्स जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं, इसमें कोई भी इस तरह की जो है वो अलग बात नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जस्ट इन ग्रुप को जो है वो आपने बताना होता है कि ये ग्रुप है या नहीं, तो वो चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल में डिटेल से बता दी हैं। उसके अलावा अगर इन एग्जाम्पल में से कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, और सॉरी एक और छोटी सी बात कि इस तरह का भी एक ग्रुप आ सकता है, या तो इस तरह का ग्रुप आता है कि आपके पास फोर जो है वो एलिमेंट्स इस तरह से दिए जाते हैं और उसको आपने प्रूव करना था, या फिर ये हो सकता है कि ये स्केयर की फॉर्म में आ सकता है कि ए स्केयर बी स्केयर इक्वल टू ए बी का होल स्केयर इक्वल टू, यानी कि आपके पास ए स्केयर हो या बी स्केयर हो या फिर ए बी का होल स्केयर हो, वो आपके पास ई के इक्वल होता है और इसको आप कैलाइन फोर ग्रुप जो है वो कह सकते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, इसको आप देखें एक दफ़ा, ई को ई के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका ई आ जाएगा, फिर ई को आपने जब ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो देन आपके पास ए आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आपने ई को जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई किया जहाँ पे, तो सिंपल सी ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी। जब आपने ए को ई के साथ किया फिर आपने ए को ए के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ए का स्केयर बनेगा, ठीक है, ए का स्केयर। तो अभी हमने जो हमें कंडीशन दी गई थी वो यही थी कि जब आपने स्केयर आपके पास आएगा तो आपके पास जो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जब आप जो है वो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सी कैसे आएगा, सी ऐसे अगर कि कोई भी आपके पास मतलब एक ग्रुप आपको दिया गया है, वन टू और थ्री आपको एक ग्रुप दिया गया है, वन टू थ्री फाइव इस तरह का आपको ग्रुप दिया गया। अगर आप जो है वो इन दोनों को किसी भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं या फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट करें कि आप टू और वन को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, आंसर टू आता है। तो टू इसी ग्रुप का एक एलिमेंट है तो उसको आप जो है वो सी कह सकते हैं, मीन्स के ए प्लस बी इक्वल टू सी, यानी कि ए और बी को आप ऐड करेंगे तो एक नया एलिमेंट आएगा, वो नया एलिमेंट भी उसी ग्रुप में एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर वो नहीं करेगा तो आप उसको ग्रुप नहीं कह सकेंगे। ओके, ये इसमें एक चीज थी। और फिर इसी तरह से यहाँ पे जीरो को अगर एक्सक्लूड करके हम इसका ग्रुप बनाएं, यहाँ पे भी इसी की एग्जांपल है कि ये ग्रुप है या नहीं, वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि इसी तरह की एग्जांपल आपके पास आती है कि ये ग्रुप है या नहीं। तो यहाँ पे जब इसको आपने सोल्व किया इस टेबल को तो आपके पास ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपके जीरो भी आया, तो जीरो आपके इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है क्योंकि हमने जीरो को एक्सक्लूड कर दिया। जब हमने इसका ग्रुप लिया तो वन से हमने स्टार्ट किया तो इट्स मीन कि ये एक ग्रुप नहीं है, इसको हम कहेंगे कि ये ग्रुप नहीं है। फिर इसी तरीके से अगर आगे चलें तो आगे और भी इसकी इसी तरह की एग्जांपल है विद रिस्पेक्ट टू, हमने मल्टीप्लिकेशन जब इसको किया तो अब ये एक ग्रुप है, ठीक है, इंटीजर्स को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किया, इसने जो हमें मॉड्यूलो दिया था वो 5 दिया था। जब इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किया तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता है, ये एलिमेंट सारे इसी ग्रुप में से ही बिलोंग करते हैं, तो देन हम इसको कहेंगे कि ये एक ग्रुप है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप सो कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सब ग्रुप जो है वो स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।